आइए नजर डालते हैं दिन भर की तमाम बड़ी खबरों की तरफ। खबरों से जुड़े रहने के लिए बने रहिए एंग्लो इंडियन न्यूज के साथ। दर्शकों नमस्कार, खबर आ रही कानपुर नगर से, जहां सामान वापसी को लेकर ग्वालटोली स्थित एक दुकानदार ने ग्राहक को बुरी तरह पीटा। युवक की दादी के साथ की गाली गलौज, दुकानदार की ओर से युवक को भद्दी भद्दी गालियां देते हुए पिटाई करने का मामला आया सामने। मामला इतना बढ़ गया कि दोनों तरफ से पथराव भी शुरू हो गया, जिसके कारण कई गाड़ियां क्षतिग्रस्त हो गईं। मौके पर पहुंची ग्वालटोली पुलिस ने मामले की जांच शुरू कर दी और घायलों को अस्पताल भेज दिया। घबराए युवक ने पुलिस में रिपोर्ट दर्ज कराई, जिसके बाद सभी घायलों को मेडिकल के लिए जिला अस्पताल भेजा गया है। ग्वालटोली स्थित एक हार्डवेयर की दुकान पर युवक सामान वापसी के लिए गया था, जिस पर अपना वर्चस्व दिखाते हुए दुकानदार ने कर दी पिटाई। बीच बचाव करने गई उसकी दादी को भी गाली गलौज करते हुए दुकानदार और उसके भाई ने धमकी दी और पुलिस से भी नहीं डरते ऐसा कहा और उनका कोई कुछ नहीं कर सकता इस तरीके से बोला। पीड़ित पक्ष के युवक ने पुलिस में शिकायत दर्ज कराई है कि एक महीने पूर्व लिए गए सामान जिसकी वापसी 6 महीने तक की जा सकती है, दुकानदार अपने किए हुए वादे से मुकरता रहा। 6 महीने के अंदर सामान वापस न करना पड़े, इसके लिए वो गालियां और धमकी देने लगा और मारपीट पर उतारू हो गया। कानपुर नगर से संवाददाता आकाश शर्मा की रिपोर्ट, एंग्लो इंडियन न्यूज। थाने में जाने के बाद नाम बता देना। नाम सुखरेश सिंह परिहार है। क्या मामला? घटना के बाद भतीजे का फोन मेरे पास है। घटना के बाद हम वहाँ पे पहुँचे दुकान पे, वहाँ जैसे ही जानकारी करने हमने क्यों भाई मारा क्यों, तो उसके बाद इनके ही कुछ लोगों ने धक्का मुक्की हम लोगों के साथ शुरू कर दिया। हमारी जो गाड़ी खड़ी है बगल में उसको तोड़ा पूरी तरह से, और ये देखिए यहाँ पे लोहे की रॉड है, सर पे चोट है लोगों के, और भी हमारे घर में भी जो भी फैमिली मेम्बर्स बैठे थे उनके ऊपर भी इन्होंने झपटने की कोशिश करी है और उनको भी काफ़ी क्षति पहुँचाई है और लूट भी कर डाली। एक देखिए एक अंगूठी मेरी चली गई, उसका कोई अभी तक कोई मिला ही नहीं कि कहाँ गई क्या हुआ। तो उसके बारे में थाने में आश्वासन क्या दिया था? आश्वासन कुछ नहीं, बस कार्रवाई के नाम पे डॉक्टरी के लिए भेज दिया गया है और अभी कोई पकड़ा धकड़ी नहीं, सिर्फ 2 ही वहाँ के पक्ष आए हैं, बाकियों का किसी का कुछ पता नहीं है कौन कौन था, जबकि उसमें कुछ नहीं तो दर्जनों लोग थे उनकी तरफ से, अगल बगल के लोग भी थे जो उनके दुकानदार जो थे उन्होंने भी गुम में चलाए हैं, मेरे बीचों बीच में भी गुम में बैठा है, सर मेरा फटा हुआ है, उंगली मेरी फटी हुई है, भाइयों के भी मेरे चोट आ गई उनके जैसे पहुंचा है, और मेरी मम्मी थी गाड़ी में उनके ऊपर भी उन्होंने डंडे से वार करा है। ये देखिए पैर मारा, जैसे हम लोग वहाँ पहुँचे उसके बाद इन लोगों ने पहले तो पूरी तरीके से मारा, उसके बाद कार को भी तोड़ा। उन्होंने ये भी नहीं सोचा कि स्त्री वहाँ बैठी है, उनको ये सब मानना नहीं चाहिए। भागना पड़ा हम लोगों को, हम लोग भाग के यहाँ थाने में आए, उसके बाद यहाँ पर पुलिस ने बताए। क्या नाम है? लफकू सिंह परिहार। क्या घटना हुई? क्या घटना हुई थी आपकी? घटना हमारे साथ ये हुई, हमारे हार्डवेयर की दुकान पर इनसे सामान लिया था, हमने सामान लिया तो हमने कहा भैया इनको मतलब खराब हो गया इनका, उन्होंने 1 महीने गारंटी ली थी उसकी। कौन सी दुकान? ये हार्डवेयर इनका नाम नहीं पता, जयसवाल कोई है, कोई जयसवाल है, इनका नाम नहीं पता, आसू बासु जयसवाल जो भी है ना। हम गए इनकी दुकान पर, हमने कहा भैया इनको सामान बदलिया भी ले गए, 1 महीने गारंटी इन्होंने ली, खराब हो गया तुरंत ही, उनका नहीं बदले जाओ जो कुछ करते कर लो, जो मेरी झाड़ उखाड़ दो उखाड़ दो आके। हमने कहा ऐसे भैया पैसे लीजिए, हमारे पैसे दीजिए या तो सामान दीजिए हमें, इनका कुछ नहीं देंगे जाओ। इनके जो पापा जो भी थे उन्होंने मैं धक्का मारा, हाथ पकड़ा और कहा चल भोसड़े निकल यहाँ से। हमने कहा ऐसे कैसे निकल, पैसे ला मेरे, तो उसका लौंड आया जी लेके मेरे कान फट गया मेरा, 4-5 घंटा मारे लोहे की रॉड यहाँ मारी और पूरे शरीर में तोड़ दिया लोहे की रॉड मार मार के। दिखाएं पीटी उतार रहे हैं पूरा एकदम माचो दिमागर शोध होने इनकी बहन के शोध, पूरी शरीर तोड़ दी मेरी और मारा हमको अलग लोहे की रॉड मार मार के और मारा, अब 4-5 लोग घेर के हमको अलग मारने लगे, कहने लगे जाओ बोले झाड़ मेरे कुछ उखाड़ पाओ उखाड़ लो आके, इस हाथ में भी ये सब फाड़ दिया लोहे की रॉड से पूरा हाथ पूरा फाड़ दिया, कहीं जो कुछ मारा इन्होंने माता शोध होने। थाने सोचन में ये जैसे हमने दिया दादी को हमारे मारा, हमें बहुत खराब लगा, हमें मारा चलता है लेकिन हमारी दादी को मारेंगे, 60 वर्ष की उम्र की उनकी। पुलिस ने क्या बताया? पुलिस ने कहा मेडिकल कराओ। आप देख रहे हैं एंग्लो इंडियन न्यूज़, खबरों से जुड़ने के लिए चैनल को लाइक और सब्सक्राइब अवश्य कर लें ताकि खबरों की अपडेट आपको मिलती रहे।